बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। मैं दुआ करना मेरे देखना जिस तरह खुश रहने बाद रहे मैं शांस से मुस्कुराते रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। आज 14 अगस्त का दिन है और सब नू 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक होवे, आज़ादी मुबारक साड़ी तरफों। तो इस साइड से वाजिया की पां 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 लगी हुई है, यह सुनो तुसी, ए पूरे चक दे अंदर ना आवाज़ां इतनी ज़्यादा आ रही, मैनू तो बहुत ज़्यादा आ रही, शायद मेरे मोबाइल के अंदर रिकॉर्ड ना हो रही होवन। अज हर तरफ वाजे ही वाजे वजन गए, किसी पास लंघन का हाल ही नहीं होना, इतना रश इतना शोर शराबा होना है ना यकीन कर जो। अज मेरा तो दिल करता ही कोई नहीं पिया के किसी पास निकल जावा, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होना है। साडा रस्ता वैसे है तो इस साइड तो भी निकल जाता, लेकिन मैं तुहानू दिखाण लई जिहड़ा ना शहर वाली पासू दी जावांगा। और साडे ना गाँव दे विच समझो मेला भी लगता है मम्मा दली सुबह दा, इस गल नू लैके ना एक्साइटेड है और रुसिया भी लै पता है क्यों। 400 रुपए तू घट पैसे नहीं लैने, 200 दिता है, 200 ने नहीं लिया, आंदा 200 फटाफट खत्म हो जाता है, महंगाई का दौर है। बहरहाल 200 बच्चों काफ़ी होंगे है गया, 200 इन्हें देवे जो लै रहे हो ठीक है, ना ले चलो आप कोई चीज़ उत्थे जाके लै दे। मम्मा दली कपड़े दिखा जेडे लै निकाल लैन चले अंदर, यह है जी मम्मा दली के कपड़े 14 अगस्त के, ये बुनैनी कपड़ा ही होंगे मेरे ख्याल, एक दो बार ही पाना होंगे तो फिर खराब। और ये 400 रुपए का सूट आया, पैंट इनकी 28 नंबर है, लंबी है मेरे ख्याल है मम्मा दली, लंबी है पैंट, थोड़ी लंबी है काफ़ी, बल्कि लंबी है। शर्ट बिल्कुल ठीक है। और कल दी वीडियो वास्ते मैं सब दा बेहद शुक्र गुजार हाँ, सारे भैन भाइयों ने जितने एक कमेंट किए सब ने मुबारकबाद दी है और इतना ज़्यादा प्यार, तब बहुत बहुत मेहरबानी शुक्रिया। अल्लाह पाक सब नूं सलामत रखे, ते बस तुहाडा इह प्यार ही है जिहड़ा कि इस चैनल ते मैं शो हो रहे हैं तुहानू, वरना अगर तुसी इतना ज़्यादा सपोर्ट ना करते तो आज साडा चैनल समझो कि घाटे चगा सी। अलहमदुल्ला सारे भैन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया, जजाक अल्लाह जी। मम्मा दली वो ना रहा तो तैयारी शारी कर रहे, आसमां भी जाना तू भी कर लै तैयारी शारी, इवें तरक्या जाना है जा फिर पा ला कपड़े कुपड़े चलिए। फिर मिस्त्री साहब की तो मैं कॉल करा दी छुट्टी, क्योंकि मटीरियल खत्म हो गया, सरमाया भी खत्म हो गया, बस जिदा अल्लाह पाक ने सरमाया दिता फिर मटीरियल भी लेवे तो बाकी का काम शाम भी करवावे। लेकिन उस तो पहले जो उनकी सैटिंग शैटिंग है चलो वह तो बंदा जाके करता ही है ना, ये तो नहीं कौन उन्होंने बना दिता बस छड़ दिता, वो फिर खंडर के खंडर रह जाएंगे, लोगों के समझो कि जड़ा ना पेशाबगार बन जाएगा, क्योंकि साढ़े पिंड थावान का ये बहुत बुरा रिवाज है, अड़ोस पड़ोस जितने बच्चे ने बच्चे छड़ के व्डे भी जड़े ना वो भी नहीं बुलाते, आके तो अपना जड़ा ना दूर जावन के बजाय वो वेख लेंदे भैया जड़ा ना कार खाली पे है, यू बस लग पवो तरकान वास्ते। तो बस अल्लाह पाक जी वजह लोगों को हिदायत देवे, हूँ चलने नाले बच्चे अपना इंजॉय कर लैणगे, उत्थे मेला चला वो देख लैणगे, मैं चलो कोई थोड़ा बहुत जड़ा ना उन्दी अंदर की सैटिंग कर लवांगा मिट्टी छिट्टी पदरी करके, फिर उस तो बाद उपर उन्दे छत दे पानी लगाना, पानी लगा के देखांगे जित्थों कोई थोड़ी बहुती कमी पेशी हुई वो पूरी करके फिर उन्दी लिपाई छपाई भी इंशाल्लाह करनी। लगता पूरी 14 अगस्त जिहड़ी है ना यह पिंड सारा मना रहा है, समझ आई ला, इस पेड़ के अंदर इतनी ज़्यादा शोर है ना वाजिया का। और यह चेक करो जरा, और झंडे भी माशाल्लाह वेखो लैन सिर लहराए हुए आ, क्या बात है जी। अल्लाह पाक सलामत रखे जी साढ़े मुल्क पाकिस्तान नू। माशाल्लाह मम्मा दली दी फाइनल लुक चेक करो जरा, नहा धो के रेडी हो गया, कंघी शंघी वाह के चलिए, हूँ पूरा आ गया सूट, पैंट वड्डी की छोटी बस ठीक है पूरी है, तू तो कह रहे थे वड्डी है। जा रहे थे डेरे ते, मैं जाते जाते चक्कर कटी चलिए घर का, क्योंकि
सौ चीज़ इत्थे पई समान समून होना पर देखना संभालना होंदा ते नाले मैं कि चलो अपने घर नूं देखना भी समझो कि एक सवाब ही होंदा बना के निरा छाड़ तो नहीं देना होंदा फिर गाडर भी दो पए हुए ने दोनों किसे देने ये भी चाह के देने आ वापस मम्मा दली ते आसमान उपर चढ़ गए ने आसमान ने असल आख्या भी मैनू कार जिहड़ा ने दिखा के और एक चीज़ होर रह गई आ जिहड़ा ना उपर लिखाना सी माशाला लाहौल वाला गुआ तो इला बिला उन्दे नाल बरकत ही बहुत होंदी है ते दूसरा यह है कि नज़रे बाद तो भी बचिया रहिंदा है शाम नूं तो लेट बहुत हो गई सी ते फिर उन्होंने लिपाई नहीं की इन्हों हूँ मेरा दिल आप ही जिहड़ा लिपाई छपाई कर लवेंगे फट्टी शट्टी मार के उन्हें सिर्फ लैवल करके दिता आसमां घर सोहना है देख लिया अच्छा बांस भी जड़े ना ये भी पहुँचाने से बस बार हूँ करने सारा कुछ जड़ा ना ओके वो आदि कल दो पंडा लिया एक पंड सा लग गई और एक ए पई हुई है चलो इन बाद उत्तू जी लिपाई करनी है उन्हें चलो काम आ जाएगी चलिए मम्मा दली ने बुला ले चलिए आ जा मम्मा दली वाह झंडियां लई फिर दे है बाद के इतने तारा इन्हें ये लगनिया नहीं पुत्र ये सैकल तो लगदी ने सैकल आ दी ने इस तरह का कोई माहौल है जी मेले ते कोई सुर स्वाद नहीं है चार चुफेरे बस झूले झूले ही है या जलेबियाँ वाले कोई बैठे ने पकौड़िया वाले इस पास मिठे लैके भाई बैठा जूस बना के दई जा रहे बच्चों बस इस तरह का कोई थोड़ा जा ही सादा जहा माहौल है इतना खास नहीं आज मेला है आसमा आ जाओ चलिए और इतने की है चलिए इतने आए शायद कोई ना आ जाओ बिना वजह का टाइम वेस्ट कुछ भी नहीं है मेले और सिर्फ टाइम वेस्ट है बच्चों ने बस जिद की ना क्या मेला देखना असल इतना दरबार का काम होने वाला काफ़ी सारा तो करके इस दफा मेले की रौनक कोई नहीं हैगी अगर जिस तरह पहले अगर दरबार उस तरह होंगे ना फिर काफ़ी ज़्यादा इन रश होना है 14 तरीक को तो इतना ज़्यादा रश हो जाता ना कि जितों कितों की आवाम बस आ मेले से ही बिगड़ी है दोपहर के बज रहे हैं जी 3 और आसिया बेगम वेखो घा पटती बैठी है चेक करो जरा दोपहर का टाइम यकीन करो इन्नी धुप लगी खड़ी है ना इन सुबह याद नहीं आई पट्ठिया की तो हूँ आके पट्ठे लगन ही लगी है पट्ठे वड्ढण आ जाओ ना आ जाओ ना सुबह नहीं बनाया आ जाओ रहा हूँ दोपहर टाइम है गया मम्मी पी दंदी है बर्तन ते बोतला भरू मम्मी बोतला भरू है हाँ जी बर्तन धो ले बर्तन धो ले बोतला धो दी अच्छा मुड़ बरनिया वा बरनिया ही अब बकरे ले ले तो पापा माँ चोई जा रहे हैं चोई खला है सुबह जल्दी मुड़ चोनी जल्दी ता और मैं थोड़ा टाइम ना चो ले ले जड़े है ना वो पट्ठे खांदे का खादे ए रहता था और मोण पाट लेंदे ओ अगे दा पिवाई ए ला भी मोण पाट लेंदे ओके ते आ देखो ए यार कदा बो करदा है ना चल ਮੈਂ ਰੱਕਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇ ਅੱਜ ਜੀ ਆਮਨਾ ਆਈ ਹੈਗੀ ਦੇ ਦੇ ਤੂੰ ਤੇ ਆਮਨਾ ਤੇ ਆਸਮਾ ਖੇਲਦੀ ਹੈ ਆਸਮਾ ਖੇਡਦੀ ਵੀ ਹੈ ਆਮਨਾ ਸਹੀ ਕਰੀ ਕਰ अलहमदुल्ला काम शाम थोड़े बहुत जड़े है खत्म कर लिया और नमाज जी असर दी फिलहाल नहीं पढ़ी है
हूँ नमाज असर पढ़ने क्योंकि मैं उदों आया डेरे तो सौ गया सी सुते आया साढ़े पाँच बजे जाग आई है उस बाद काम शाम मुकाए ने हूँ नमाज पढ़ लवान टाइम थोड़ा फिर इन चल और आसिया बोतल भरी जा रही पानी दियाँ अगलिया मैंने खत्म हो गई सी फ्रिज भी टाइम ना असल बंद कर देवी दी है क्योंकि बिल काफ़ी ज़्यादा आ रहा 9000 रुपया इनकी बिल आया अलहमदुल्ला नमाज पढ़ ली और हूँ जाना जाके लैके आना सब्जी क्योंकि दिन की सब्जी कोई नहीं आती और पता नहीं पकाना की है अज पकाना की है कि लैके आवा सी आलू गोभी लाया हाँ आलू गोभी भी ठीक है आलू गोभी ले लई के कद्दू नहीं ठीक झूंडिया वड्डी रखनिया आंदियां बाजूआं नूं ते ऐ वेखो ना ऐ निशान बना ले सो अगे मसा गुल्ली है फिर इस तरह के काम करदी है दुश्मन बनी हुई अपने आप दी अम्मी की लैके आवां तोरियां कालियां सही ने जरूर सालन होटलां दे खाने काम वेखो तुसी गरम पानी दे विच वड़िया फिरदा निकल बा हाँ वेख आप आख खा तेरी खराब हो फिर दी आख भी खावे ना है देखो एंज आख भी खा आख खराब हो फिर दी उठ खलो निकल जा बिच लो जी मैं सब्जी लेके आ चुकिया ए लो जी आलू ते गोभी मम्मा दली दी चीज़ा ताजी वेखो कल वाली वीडियो कुछ मिनट है गए सी के भाई क्या है तुहाडी अपनी जमीन है तुहाडा अपना घर बन रहा है तो मैं रिप्लाई तो उस टाइम नहीं दे सकिया मैं चलो लाइव तुहाडे नाल गल कर लैने तो काफ़ी सारे बहन भाई तकरीबन साढ़े नाल जुड़े हुए हैं और उन्होंने हर हाल का पता है साड़ी हर हकीकत का पता है कुछ बहन भाई जड़े ने वो तकरीबन काफ़ी अरसे तो साड़ी वीडियो शायद नहीं सी देख रहे और उन्होंने इलम गल नहीं सी है तो सारे बहनों भाइयों दसदा चला कि अलहमदुल्ला सुम अलहमदुल्ला अल्लाह पाक का लख लख शुक्र आ अल्लाह पाक ने गुंजाइश दी और जमीन खरीदी है तो उन्दे उत्ते घर जिहड़ा तमीर हो रहा वह भी अपना है ये रब की जात पाक की बड़ी खास करम नवाजी है अल्लाह पाक का लख लख शुक्र है कहने का मकसद ये है कि अपनी जमीन है और अपना ही घर है तो अपनी कोई ना होंगी क्योंकि जमीन जी है ना वो अल्लाह की हैगी लेकिन वक्ती मतलब वक्ती दुनिया जिस तरह बंदा चल रहा हों ना कि हाल की घड़ी अपनी हैगी क्योंकि जिन्हें आए ने ना उन्होंने सारे ने वापस ही जाना है जमीन इतने इतने रह जानी है बस जो ना दुनिया चलो चली का मेला है तो गल कि जिन्ना चेर फिर जिंदगी है ना उन्ना चेर तो चलो अपनी है ना रहन ली अपनी है अलहमदुल्ला हूँ फिर दोबारा मैनू तोरते पैने के लिया के दौ एंड वास्ते सौंगी करी इन खीर बना के देनी साबण सरफ अगे नहीं लगा अबू वास्ते आया नींबू वाला हूँ कितों लाभा चलो सही और मैं बैठा बैठा हिसाब किताब कर रहा सी घर का तो तकरीबन जड़ा ना मोटा मोटा हिसाब लाया है पलस्तर तक जड़ा ना पानी की सीवरेज सुवरेज और पर तकरीबन 6.5-6.5 लाख रुपए के जड़ा ना लगभग खर्चा मजीद आना ता जाके जड़ा ना घर की समझो कि सैटिंग सुटिंग ओके होनी है सिर्फ यानी कि ना प्लस्तर करके अंदरों बाहरों तो उस तो बाद जड़ा ना पानी का निज़ाम बिजली का निज़ाम सारा टोटल खर्चा करके इनका जड़ा ना तकरीबन वो मेरे हिसाब किताब जड़ा ना 6.25 लाख रुपया खर्चा बनना है 6.25 तो उपर भी आ सकता है थले नहीं क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हैगी बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता सारे काम होने 6.25 लाख जी छोटी जी अमाउंट नहीं हैगी
मेरे वास्ते पहले भी नामुमकिन सीगा ते हुण भी समझ लो कि ये मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। बहरहाल अल्लाह पाक मदद करने वाले इंशाल्लाह रब ने चाहे तो वह सारा कुछ ओके हो जाएगा। बंदे नूं टेंशन नहीं लेनी चाहिए, बस सोने रब ते छड़ देना चाहिए। जो सोने रब ते छड़िए ना रब ते भरोसा होवे तो सारे काम जिहड़े ना वह बिल्कुल अल्लाह पाक करा अला हुंदा है। इहदे विच अल्लाह पाक की मदद शामिल होंदी है। ते हुण चलने जाके मजीद जिहड़ा ना सौदा इन्हां दा लिया के दिंदे आ इन्हां नूं। बाकी पानी दा निज़ाम वास्ते एक बैंड ने कमेंट कीता सी कि कितना खर्चा टोटल हैगा। तकरीबन पिछले साल मैं एक नलका लगवाया सी, उहदे ते 35-36 हज़ार रुपया जिहड़ा ना वह टोटल खर्चा आया सी। अगर उस टाइम नूं हुण वेख्या जावे मद्देनज़र रखे उस टाइम 150 रुपये किलो लोहा आएगा सी, ते हुण तकरीबन जिहड़ा ना 270 रुपये है। तो ये समझ लो कि डबल चला गया होना, तकरीबन डबल नहीं तो तकरीबन 50-50 हज़ार के लगभग जिहड़ा ना वह खर्चा आएगा मेरे हिसाब किताब घटो घट, इस तों घट नहीं 50 तो उत्ते हो सकता है महंगाई के हिसाब से। अगर पंप लगवाया जाए तो फिर चलो 40-45 के लगभग, अगर नलका लगवाया जाए नलके क्योंकि लोहा ज़्यादा इस्तेमाल होता है नाल वगैरह लगती है तो करके फिर आता कोई 5-7 हज़ार रुपये का फर्क आता है गया उपर नीचे। हेलो जी, आज लगता है लेट हो गई अपन काफ़ी सारी, सूरज गरूब हो गया, अजाना तकरीबन होने वाली हो गई, तो मिली कोई नहीं सौंगी कोई नहीं मिली गरी मिली है। ते साबुन केड़ा नाई लई है तो की है बर्तन वाला नहीं आख्या वे ओए खदा इन मैं आख्या दूआ ओ 150 रुपए दा एक पता नहीं 120-130 रुपए दा लेकिन इन च पैसे थोड़े बचे आ ठीक है ना। ओ ना इंदे नाल बोल ब्याह नहीं इंदे नाल बर्तन तो ब्याह ना है ते बर्तन वाले हां ओ इंदे नाल नाती रख सा 500 रुपया दित्ता वे सारा उंदे च जेड़ा कुछ आया मैं ले आंदा बस ठीक है ना। फिर ए रहा आसिया बेगम का नशा जो कि डेली मैनु लेके देना पैंदा तेन छोड़ दे तो की हो सी इहदे नाल तेरे दंद खराब हो जाने मेदा खराब हो जाने है अपनी जान की फिक्र नहीं है नशा करना है बस। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि की शह नपाई है साले चे भाई बीड़ी हैगी नसवार जिन्हों कहते हैं ना 555 नंबर नसवार है पाकिस्तान बड़ी मशहूर मरूफ हैगी और नहीं है कोई है कोई चरस वगैरह नहीं आई अल्लाह माफ करे अल्फी तो नहीं ले दीती। अच्छा मां दा ली रोंदा ते अल्फी नु की करना सो अच्छा तू का दियो ना ए आला आहो ते इंदी किदे ओ बैक साइड पता नहीं किदे ते नाले टाइम तो टप गया 14 अगस्त दा सवेरे पां पां लगी हुई है यार पास से तेरा तो तूता उस टाइम में बजे ही नहीं है नहीं उस टाइम इंदा तूता चलिया नहीं हुण चलावण दा की फायदा। ये मम्मा दा ली की कर रहा है जी वाह जी वाह निक्के निक्के टुकड़े करके ते की पकाऊं है खीर माशाल्लाह बड़ी गल है जी। मम्मा दली दादी दी करा रहे है हेल्प क्योंकि अम्मी लगी हुई है हजे तक सालन बना अंधेरा काफ़ी छा चुके है। नमाज अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली शाम दी पहले इस टाइम तू पहले तकरीबन जड़ा ना हर रोज़ असी रोटी शोटी खा के वेले हो जाते बस मंजिया तो डिगण वाली कॉल करते लेकिन मैं बाहरों नजर मारी सी इन्नी ज्यादा आवाम हैगी सी ना मैं कहना अगर मैं पार्क ते चला जांदा ना तो मैनू अद्धी रात तक उतों निकलण की फुरसत ना मिलती इतनी ज़्यादा अज आवाम जी है ना तो आपस इन्नी ज़्यादा शोर शराबा होया लड़ाई झगड़े हुए ने बहुत ज़्यादा हुए ने समझ लो कि काफ़ी दूरों पिंडा चू बंदे आए हुए सी यानी कि ना जी आवाम है ना अजकल दे तकरीबन नौजवान आवाम वो सारी आई हुई सी आपस लड़ाई काफ़ी की सुनने चाहे यानी कि आप खुद नहीं देखा जिस टाइम मैं सौदा सरफ वगैरह लैन गया ना तो उन्हें आख्या भी केक कट्टन लग्या ना उन्हें आपस ही छाथापाई बहुत ज़्यादा की है तो ये वजह कमां समझो कि जो मौके होंगे ना हादसे वगैरह हो जाते हैं बड़ा अल्लाह पाक सब नूं महफूज रखे तो अपनी जुबान च रखे। मम्मा दली ने भी कट के ना धोन लई रख दिती है ए गरी खाना तो अलहमदुल्ला खा पी के तो हो गया फारे और अम्मी हुण बना रही है खीर वेखो वाह क्या बात है
ये मम्मा दाली की फरमाइश पूरी हो रही है ना अम्मी अम्मी जानती है दिने तो उन्हें तंग किया हो खीर लाजमी पका दो सारे अम्मी ना अपने दो त्रिया पोतरिया नाल प्यार बहुत ज्यादा है जो भी कोई फरमाइश करता है ना वह लाजमी होंगी पूरी होंगी अज के ब्लॉग हंसते मुस्कुरा इजाजत चाहते हैं अगले ब्लॉग होंगी है मुलाकात साड़ी तरफों और साड़ी पूरी फैमिली तरफों सारे भैन भाइयों आजादी मुबारक 14 अगस्त और अल्लाह हाफिज अल्लाह निगेबान अल्लाह सोने दे वाले।